Next problem, a symmetric star-shaped conducting wire loop is carrying a steady current I as shown in the figure. Now, this is the figure, a star-shaped, a current carrying conductor hai, theek hai, jiska ye diameter 4a diya hua hai, isme I current anti-clockwise direction mein flow kar rahi hai, right? The distance between the diametrically opposite vertices of star is 4a, jaisa dikhaya gaya hai. The magnitude of the magnetic field at the center of loop is, ye diya hua hai, magnetic field at center of loop, yahan par. This is the center, jisko hum O se denote kar rahe hai. The center is O, aur yahan par magnetic field ka, upar hum magnetic field nikalenge, option ye hai. Right? To agar maan liye, कि हम इस वायर को कंसीडर करते हैं, ये वायर इसमें डायरेक्शन है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, राइट? इस वायर को हम कंसीडर कर रहे हैं और इसके चलते इस पॉइंट पर, इसके चलते इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं. जैसे सपोज इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल जो बनेगा, देखिए ये एंगल चूंकि सिक्स ये आर्म्स है, therefore this angle will be 30 degree, right? This angle will be 30 degree. और ये star है, symmetry है, अगर इस line को join करते हैं तो this angle will also be 30 degree, right? देखिए better है, ये PQ है, PQ का हम एक अलग configuration बना लेते हैं यहाँ board पर. देखिए PQ में current का direction ये है, this point is P and this is Q. यहां से दिस इज सेंटर ओ, दिस इज सेंटर ओ, और ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री, और बाय सिमेट्री दिस एंगल आल्सो विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? अब देखिए इसको यहां से मिलाएंगे हम, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा, ये परपेंडिकुलर लेंथ जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, राइट? इस परपेंडिकुलर लेंथ को हम R से डिनोट कर रहे हैं. तो बाई सिमेट्री देखिए ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, राइट? दिस एंगल विल ऑल्सो भी 30 डिग्री. सारा सिमेट्री देख करके आप ये कर लिए, ये टोटल लेंथ 4a है, तो यहां से सेंटर रोड से ये लेंथ कितना हो जाएगा, this length will be equal to 2a, right? ये this length will be equal to 2a, right? अब देखिए ये length 2a हो गया हमारा, ये हो गया, और ये current carrying conductor है, right? ये current carrying conductor है, इसके चलते यहां पर निकालना है. पहले एक चीज हम बता रहे हैं कि जितने भी current carrying conductor होंगे सब में current anti clockwise direction में ऐसे flow कर रहा है, और सबके चलते जो direction of magnetic field क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा. तो इस ओ पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा. देखिए एंटी क्लॉकवाइज में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर जो होगा बी टोटल विल बी आउटवर्ड, और एक आर्म का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिकली लोकेटेड है, इसलिए ये जो टोटल 12 आर्म है, ये जो टोटल 12 आर्म है इनके चलते, तो एक आर्म का कैलकुलेट करके हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब जानते हैं, देखिए अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी होता है, राइट? इसके आर्म्स को ज्वाइन करते हैं आप, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, राइट? ये पूरा लेंथ आर होता है, आर. तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर एंड टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही होता है फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इस पॉइंट पर, और नीचे है तो इसके चलते अपवर्ड हो जाएगा. ये सेम फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, यहां पर थोड़ा एंगल दिख रहा है, हमको आर चाहिए, यानी हम बी वन आर, यानी अगर हम B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन आर,
और यहां पर क्या चाहिए साइन अल्फा, तेरा साइन अल्फा कितना है ऊपर वाले पर, ये साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री देखिए यहां से मेजर्ड होगा, ये यहां से पूरा ये मेजर्ड होगा, यहां से देखिए इस लाइन से आर वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन यहां से मेजर होता है, तो यहां से ये एंगल 60 डिग्री है क्यू पॉइंट का, तो दिस इज साइन 60 डिग्री। और देखिए ये बीटा निगेटिव है, एक्चुअली बीटा नीचे है तब ये प्लस होता है, तो यहां पर जो बीटा 30 डिग्री है ये ऊपर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, राइट। ये वन आर्म के लिए हो गया आपका। अब हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आर। अब देखिए ये एक राइट एंगल, अगर हम इसकी बात करें तो एम ले लेते हैं इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम, तो क्यू एम ओ एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका ये एंगल है 60 डिग्री, तो आर क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू ये ओ क्यू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और ओ क्यू का वैल्यू कितना है 2a, तो दिस इज 2a इंटू कॉस 60 डिग्री हाफ, तो ये कट गया, दिस इज इक्वल टू a, यानी r का वैल्यू, ये जो r है ओ एम इसका वैल्यू आ गया हमारा a, तो सीधे लिख सकते हैं कि दिस इज म्यू नोट बाई। अब एक ही बार हम टोटल कर लेते हैं, राइट, अब एक ही बार हम टोटल, हमने बताया कि सारे कंडक्टर के चलते मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दी पेपर आउटवर्ड है, आउटवर्ड नॉर्मल में होगा, इसलिए सारे के सारे का वेक्टर सम हो जाएगा तो ऐड हो जाएंगे, इसलिए ये 12 आर्म के चलते 12 टाइम्स बढ़ जाएगा, देयरफॉर बी टोटल या बी ओ टोटल बी एट ओ दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू म्यू नोट बाई 4 पाई, दिस इज म्यू नोट बाई 4 पाई, आई अपॉन ए हो गया, ए गिवन है आई अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज रूट 3 बाई 2 एंड साइन 30 डिग्री इज 1 बाई 2, तो ये हो गया 2 कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा 6, राइट, तो ये हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई को पहले ला दिए, तो देखिए नीचे वाला 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 6 आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, और ऊपर में कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, 6 आई अपॉन म्यू नोट बाई 4 पाई आई अपॉन ए 6 रूट 3 माइनस 1, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, थैंक यू।